subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. नहीं, आई एम सैटिस्फाइड. आपका रिब केज नॉर्मल है, कार्डियक शैडो नॉर्मल है, हेलो शैडोज प्रोमिनेंट हैं, तो कोई मसला थोड़ी जैसा. नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है. चलिए चलिए, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं रिपोर्ट जो आपके डॉक्टर अम्मा को फॉरवर्ड कर दूँगा. नो प्रॉब्लम जी. नहीं, ओके जी, थैंक यू. खुदा. मायरा, मायरा. हाँ. तो फिर तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? अपनी अंधे जिंदगी के बारे में. जो ही तुम फिर मेरी शादी की बात करने लगे हो. हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम कोई फैसला कर लो, लेकिन जो भी फैसला करो सोच समझ कर करो. हमारे सोचने से क्या होगा? यूं तो हम बहुत कुछ सोच कर बैठते हैं, लेकिन सब कुछ जो सोचते हैं ऐसा थोड़ी होता है. लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग सोचना ही छोड़ दें. हमारे इख्तियार में होता ना, तो हम सब कुछ अपनी मर्जी का करते हैं. फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए ना, भले नाकामी से. नाकामी से मुझे डर नहीं लगता जोई, मुझे नाकामी के बाद लोगों के रवैयों से डर लगता है. मायरा, तुम ऐसा कह रही हो? तुम तो खुद कहती हो कि इंसान का अपना आप मजबूत और मुतमईन होता है. तुम ऐसा कह रही हो? उस वक्त मुझे ये अंदाजा नहीं था कि हम अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए ज्यादा और अपने लिए कम गुजारते हैं. ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें किसी फैसले पर पहुंचने से रोक रही है? क्या चीज है ऐसी? तुम जानते हो जोई, एक शख्स से एक अरसा मेरे करीबी ताल्लुक रहा है, और उसके रिलेटिव्स के साथ भी मैं काफी काफी उनके साथ साथ रही. देखो, वो शख्स तुम्हारे लिए अहम था, अहम है और अहम रहेगा हमेशा. लेकिन क्या उसके रिलेटिव्स भी अहम नहीं है? लेकिन मैं अचानक एकदम से इतनी बड़ी डिसीजन मैं नहीं कर सकती. यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखो, तुम अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, उसके बाद कोई फैसला करो. एंड आई एम श्योर कि तुम जो भी फैसला करोगी वो बहुत बेहतर होगा. लेकिन ये नहीं कि इसको तुम जानबूझ के इग्नोर करो. सोचो मायरा, सोचो. बच्चा कैसा है? आपकी बच्ची को हुआ क्या था? वो शायद उसने तंबाकू खा लिया था. क्या? इतना छोटा बच्चा और तंबाकू?
जी एक्चुअली उसने सिगरेट के बचे हुए टुकड़े मुंह में डाल लिए थे। आर यू श्योर? जी हाँ, जब मम्मी की ऐसी हालत हुई तो मैंने देखा कि उसके पास एस्ट्रे पड़ा हुआ है और सिगरेट के टूटे हुए टुकड़े भी पड़े हैं और उसके मुंह पे भी तंबाकू लगा हुआ था। ये तो बहुत बुरा हुआ। डॉक्टर, मम्मी को कुछ होगा तो नहीं ना? देखिए, तंबाकू जो है वो बड़ों के लिए बहुत नुकसानदेह है और ये तो बहुत छोटा बच्चा है। और फिर क्या डॉक्टर? देखिए, हमारे सांस की और खाने की नाली एक साथ होती है और बाज़ औकात ऐसी चीज़ें सांस की नाली में भी जा सकती हैं। डॉक्टर प्लीज़, किसी भी तरह हमारे बच्चे को बचा लें। डॉक्टर, मेरा एक ही बेटा है, आप प्लीज़ उसे बचा लीजिए, प्लीज़। डोंट वरी, जब आप लोग यहाँ आ ही गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग रिलैक्स करें, बैठे आप लोग। आज जो तुम मेरी हेल्प करोगे, कल तुम मुझे सारे काम खुद करने पड़ेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँ, लेकिन तुम माफ नहीं देती हो क्या? मैंने एक पेशेंट के वुंड ड्रेस करनी है और कुछ हिस्ट्रीज भी कंप्लीट करनी है, उसके अलावा मुझे ये सारे काम है। आई हैव एन आइडिया। एक काम करते हैं, तुम पेशेंट की हिस्ट्री लो और मैं ड्रेसिंग कर देता हूँ, ठीक है? और दैट नहीं, इट्स ओके, आई कर लूंगी, थैंक्स। प्लीज, मुझे मालूम है कि तुम कर लोगी, लेकिन कभी तो मुझे मौका दो, प्लीज 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 प्लीज। ओके ओके ओके, तुम पेशेंट की वुंड ड्रेस कर लोगे? बिल्कुल, मैं हिस्ट्री चेक कर लूंगी। बिल्कुल, चले फिर बाद में खाना साथ खाएंगे? हाँ, खाना साथ खाएंगे, चले। ओके, चले 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 चले। अगर मम्मी को कुछ हो गया ना तो क्या? इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। क्या मैं जिम्मेदार हूँ इसकी? हाँ तुम। कितनी दफा मैंने तुम्हें समझाया कि घर और बच्चे का ख्याल रखा करो, मगर तुमसे तो घर की सफाई नहीं होती। क्या कहा? मुझसे घर की सफाई नहीं होती? और तुमने तो जैसे सफाई में डिग्री ले रखी है। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि सिगरेट मैं नहीं तुम फूंकते हो और तुम्हारी इसी गंदी आदत की वजह से आज मम्मी हॉस्पिटल में है। सारी दुनिया सिगरेट पीती है और एस्ट्रे भी यूज करती है, मगर तुम बीवियों का काम है जो एस्ट्रे में ऐश पड़ी हो डस्टबिन में फेंक दो। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम एक सिगरेट पियो और मैं आके एस्ट्रे साफ कर दूं? बकवास बंद करो और अपनी गलती को छुपाने के लिए मुझसे बहस मत करो। बहस मैं कर रही हूँ या हकीकत को तुम छुपा रहे हो? हकीकत तो यही है कि तुम्हारी सिगरेट पीने की गंदी और बुरी आदत की वजह से आज हमारा बच्चा हॉस्पिटल में है। बस बहुत हो गया। प्रिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दी है, बाकी मैं आपके लिए स्लिप लिख देती हूँ। फ्रंट डेस्क से आप अपना एक्सरे ले लें। पेशेंट की ड्रेसिंग कर दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर जोई। नो प्रॉब्लम। और हाँ, मैंने उसको ऑल्टरनेट स्टिच भी आउट कर दिया, राइट? हाँ, वो अभी वैसे हो सकता है। वो हाउ इज द वुंड? इट्स नियर अबाउट टू हील। अगर वो इंजेक्शन पर है तो अब उसको सिरप पर कर देना चाहिए। लीजिए, मैंने आपकी हेल्प इसलिए कराई थी
ताकि आप फारिग हो जाएं तो मेरे साथ बैठकर थोड़ी देर गपशप कर सकें, लेकिन आप तो जी काम और बस वक्त ही नहीं है। डॉक्टर जोई, मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया है कि यहाँ हम काम करने आते हैं, गपशप करने नहीं। लेकिन काम के बाद तो उसकी इजाज़त है ना। हाँ, लेकिन लोग काम भी तो करें। मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर हमाद को बताना पड़ेगा कि यहाँ लोग फ्री में सैलरीज ले जाते हैं, या तो उनको काम दिया जाए या तो उनको फारिग किया जाए। मेरा ख्याल है कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। आजकल तो नेकी का ज़माना ही नहीं है। एक तो लोगों की मदद करवाओ, ऊपर से शिकायतें भी लगवाओ। मुझे नौकरी से फारिग होने का कोई शौक नहीं है। आप तो बिला वजह बुरा मान गए, मैं तो आपकी बात ही नहीं करी थी। नहीं नहीं, आपकी जब मर्जी हो तो आप कुछ भी कर सकती हैं। इससे पहले कि आप मेरे खिलाफ कुछ कंप्लेन करें, मैं ऐसे सलाह दूंगा। डॉक्टर, वो मेरा बेटा मोमी। आप लोग रिलैक्स रहे, ऐसी बाहर कोई परेशानी की बात नहीं, और मैंने आपके बच्चे का स्टमक वॉश कर दिया है, और सिर्फ एक्सरे की रिपोर्ट आ जाए तो सारी सूरत हाल बाजी हो जाएगी। क्या उसने वाकई सिगरेट का टुकड़ा? हाँ, यू आर राइट, आपके बच्चे ने कुछ सिगरेट के पीसेस खा लिए थे। देखा तुमने, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। तुम हर बात का जिम्मेदार मुझे क्यों बना रहे हो? इसलिए कि आज ये हुआ है, कल खुदा ना खास्ता कुछ और हो सकता है। तो ये बात तुम क्यों नहीं समझते? ये तुम्हारा फर्ज है कि इस किस्म की चीजें तुम बच्चों की पहुंच से दूर रखो। अच्छा, तो तुम्हारी तो जैसे कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग यहाँ तो बहस ना करें। सॉरी डॉक्टर। देखिए, अब आप लोग एक दूसरे को इल्ज़ामात ना दें, क्योंकि बच्चों को संभालना पेरेंट्स की मुश्तरका जिम्मेदारी होती है। डॉक्टर, मर्द बाहर काम पर होते हैं, माएँ ज़्यादातर बच्चों के साथ घर पर होती हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि बाप अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हो जाए। और देखें, आप ही प्लीज़, अगर आप ये समझ रहे हैं कि बच्चा चलने फिरने लगा है या चलने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करें। जी डॉक्टर, मैं तो उसका पूरा ख्याल रखती हूँ, बस पता ही नहीं चला कैसे वो अचानक एस्ट्रे की तरफ चला गया। असल में बच्चे की ये उम्र बड़ी ख़तरनाक होती है, वो हर चीज़ में हाथ डालता है। और हाँ, आप भी ज़रा एहतियात किया करें, और वैसे भी सिगरेट तो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। जी डॉक्टर, मैंने तो कई बार इन्हें सिगरेट छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन ये बात ही नहीं मानते। बस यही हमारी बहुत बुरी आदत है कि हम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। हालांकि सिगरेट के पैकेट्स पर और इश्तहारात में बार बार ये कहा जाता है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग ध्यान ही नहीं देते। दरअसल इंसान ये सोचता है कि एक दिन मरना तो है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिसक सिसक कर मरा जाए। और एज अ पेरेंट, आपने कभी ये सोचा है कि सिगरेट बट्स कैन पॉइजन अ चाइल्ड? कितना खतरनाक है ये बच्चों के लिए। प्लीज आप लोग आइंदा जरा एहतियात कीजिएगा। ठीक है, मैं अभी बुलवा के लिए। थैंक यू।
बच्चे की तबीयत खराब है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हॉस्पिटल है, यहाँ सिगरेट पीना मना है। आप लोगों के नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि ये हॉस्पिटल है और यहाँ सिगरेट पीना मना है। और ये सिगरेट के बच्चे वाला केस आप ही लोगों का है ना, उसके बावजूद भी आप सिगरेट पी रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया। अच्छा, और उसका क्या हुआ जो रिपोर्ट आने? डॉक्टर साहब, आप मम्मी की तबीयत कैसी है? अल्लाह ताला का शुक्र है कि सिगरेट का कोई भी पीस सांस की नाली से होता हुआ आपके बच्चे के लंग्स पे नहीं गया। तो इसका मतलब है कि हम आज मम्मी को घर ले जा सकते हैं? हाँ, ले तो जा सकते हैं, लेकिन अगर एक रात आप लोग हॉस्पिटल में रह जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मगर डॉक्टर, अभी तो आप कह रही थी कि वो ठीक है। वो बिल्कुल ठीक है, असल में तंबाकू काफ़ी वक्त तक उसके पेट में रहा है, तो हो सकता है कोई वॉमिटिंग वगैरह हो। बेहतर होगा कि अगर सुबह आप जाएं, एक रात रुक जाएं। ठीक है डॉक्टर, जैसे आप मुनासिब समझें। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। वसीम, तुमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, ना ही कभी मेरी ख्वाहिश की परवाह की, लेकिन कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। तुम जानते हो कि मम्मी हमारा एक ही बेटा है और इस बार खुदा ने हमारी मदद की है, हमें सबक दिया है, तो हमें आइंदा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। क्या तुम अपने बेटे के लिए सिगरेट्स नहीं छोड़ सकते?